बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। सो फ्रेंड्स, इजी एजुकेशन अकेडमी की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट पोइम को, से द सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स, कि कहते हैं कि ये शहर जो है वो करोड़ों लोगों का शहर है, यानी इसमें कई सारे लोग जो हैं वो 10 मिलियन 10 करोड़ लोग जो हैं वो इसमें रहते हैं। इंशाल्लाह इसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी ट्रांसलेशन में एक्सप्लेनेशन करूंगा और उर्दू ट्रांसलेशन भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और अगर आप पिछली वीडियोस को देखना चाहते हैं, पोइम्स को देखना चाहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ को देखना चाहते हैं, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। तमाम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के नोट्स वगैरह, सेंटेंस करेक्शन के रूल, उनकी प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स में से जितने भी सेंटेंसेज आए हैं वो तमाम जो है उन्हें रूल्स को एक्सप्लेन और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हुए जो है वो आपके साथ शेयर किए गए हैं, वो आप वॉच कर सकते हैं। किसी भी किस्म के नोट्स अगर आप चाहते हैं हेल्पफुल और यूज़फुल और थोड़े टाइम में इजीली आप अच्छे नंबर लेने वाली तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लाजमी से इस चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तमाम लिंक्स मौजूद हैं और यहाँ ऊपर आई बटन में भी लिंक जो है वो आ रहे होंगे या थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन है उसे लाजमी से प्रेस करें। से द सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी पॉइंट बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है जी, बहुत ही मज़े की पोएम है, लेकिन थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी लंबी है। मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि ये बेसिकली जो है इसमें शायर जो है वो तमाम दुनिया के लोगों को बैन अल-अक़वामी तौर पर भाईचारा कायम करने की तलकीन करता है, ठीक है। और शायर जो है वो उसके मुताबिक जो है वो ये जो पना गुजी होते हैं, चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो, ये ज़ात पात के लिहाज से उनका जो है जैसा भी सलूक हो, जैसा भी यानी कि उनकी ज़ात पात हो, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ये नज़्म ऐसे लोगों और मुल्कों पर जो है वो बेसिकली एक कह लें कि तनकीद है, जो दूसरे मुल्कों के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं या फिर उन्हें अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देते, ठीक है जी। यही इसका सेंट्रल आइडिया है, थीम है, इसी प्लॉट पे आप कह लें कि इसको लिखा गया है, ठीक है जी। अब मैं आपके सामने इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। से द सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स, कहते हैं कि इस शहर की आबादी 1 करोड़ है, ठीक है जी। सम आर लिविंग इन मैंशंस, सम आर लिविंग इन होल्स, कुछ तो महल्लात में रहते हैं और कुछ बेचारे छोटे छोटे घरों में रहते हैं। येट देर इज़ नो प्लेस फॉर अस माई डियर, येट देर इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेकिन ए मेरी दिल रुबा, ए मेरी महबूबा, हमारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं, हमारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं, ठीक है जी। इतना बड़ा वो होने के बावजूद बेसिकली आपने सेंट्रल आइडिया जहन में रखना है, ठीक है जी। मैं आपके सामने जल्दी जल्दी इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ। वी फाइंड दैट द जर्मन जू हस्बैंड टेल्स हिज वाइफ, कि एक जर्मनी यहूदी खामंद अपनी बीवी को बताता है कि इस सिटी में, दैट द सिटी इन विच दे आर ट्राइंग टू फाइंड शेल्टर, के जिस शहर में वो पनाहगाह तलाश कर रहे हैं, हैज़ एट लीस्ट 10 मिलियन पीपल, इसमें 1 करोड़ कम से कम लोग रहते हैं। सम ऑफ देम हैव बिग एंड ग्रैंड हाउसेज एंड सम हैव पुअर ड्यूलिंग्स, के कुछ तो इसमें से जो है वो बड़े बड़े महल्लात में रहते हैं और कुछ बेचारे जो है वो झोंपड़ियों वगैरह छोटे छोटे घरों में रहते हैं। बट देर इज़ नो रूम फॉर देम बिकॉज दे आर ज्यूज, लेकिन उनके लिए यहाँ पर जगह इसलिए नहीं है, एक कमरा तक नहीं, क्योंकि वो इस मुल्क के नहीं हैं, वो इस मिल्लत के नहीं, वो इस मज़हब के नहीं, वो ज्यूज़ हैं, वो यहूदी हैं, ठीक है जी। तो मैं जो है नेक्स्ट जितने भी स्टैंजाज हैं सिर्फ उनकी एक्सप्लेनेशन ही आपके साथ, सॉरी ट्रांसलेशन ही करूँगा। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इजी एंड शॉर्ट है, वही है, वो आप खुद ही से पढ़ दीजिएगा। वंस वी हैड अ कंट्री एंड वी थॉट इट फेयर, के कहते हैं कि एक दफ़ा यानी कि कभी तो हमारा अपना भी मुल्क था जर्मनी, और हम सोचें तो वो कितना अच्छा था। लुक इन द एटलस एंड यू विल फाइंड इट देयर, तुम उसे नक्शों की किताब जो एटलस है उसे उसमें तलाश करो, तुम वहाँ उसे पा लोगे, ठीक है। वी कैन नॉट गो देयर नाओ माई डियर, वी कैन नॉट गो देयर नाओ, अब हम वहाँ नहीं जा सकते है मेरी दिलरुबा, अब हम वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इन द विलेज चर्च यार्ड देयर ग्रोज एन ओल्ड यू, एवरी स्प्रिंग इट ब्लॉसम्स एंड यू, ओल्ड पासपोर्ट्स कैन नॉट डू दैट माई डियर, ओल्ड पासपोर्ट्स कैन नॉट डू दैट, ठीक है जी। कहते हैं कि गांव के जो एक गांव में जो गिरजा घर है उसके बाहर एक उदास सा यूव का जो है वो एक पौधा खड़ा हुआ था, ठीक है जी, उगा हुआ था। एवरी स्प्रिंग इट ब्लॉसम एंड न्यू, हर मौसम बहार में ये नए फूलों से खिल उठता था, ठीक है। लेकिन कहता है कि
पुराने पासपोर्ट दोबारा नहीं खिल सकते, ए मेरी दिलरुबा, पुराने पासपोर्ट्स दोबारा नहीं खिल सकते, ठीक है जी। द काउंसिल बैंड द टेबल एंड सेड कि वो बड़ी ही यानी कि एक जोर से जो है वो मेज़ को जो है वो बजाता है एंड सेड और कहता है इफ़ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट यू आर ऑफिशियली डेड, अगर तुम्हारे पास नए पासपोर्ट नहीं है तो फिर तुम तो दफ्तरी तौर पर जो है इस मुल्क में मुर्दा हो, यानी कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। बट वी आर स्टिल अलाइव माय डियर, बट वी आर स्टिल अलाइव के लेकिन मेरी दिलरुबा हम तो अभी ज़िंदा हैं, हम तो अभी ज़िंदा हैं। वेन टू आ कमेटी, जब वो एक कमेटी में जाता है, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, तो वो कमेटी वाले उसे जो है वो कुर्सी पेश करते हैं। आस्क्ड मी पोलाइटली टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर, वो उससे कहते हैं कि आप अगले साल आइएगा, पूरे साल बाद आइएगा। बट देयर, बट वेयर शैल वी गो टुडे माय डियर, बट वेयर शैल वी गो टुडे, लेकिन वहाँ पे हम आज भी जा सकते हैं मेरी दिलरुबा, वहाँ पर हम आज भी जा सकते हैं। यानी कि अगर हम इस मुल्क के होते तो हमें साल पूरा के बाद नहीं बल्कि आज भी जाने की इजाज़त होती। केम टू अ पब्लिक मीटिंग, फिर वो एक सियासी मीटिंग में आता है, सियासी जलसे में आता है। द स्पीकर गॉट अप, वो खड़ा होता है स्पीकर तकरीर करने वाला, एंड सेड और कहता है इफ़ वी लेट देम इन, अगर हम इन्हें आने की अपने अंदर अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दे दें, दे विल स्टील ओवर डेली ब्रेड, कि ये तो फिर हमारी रोज़मर्रा की रोटी रोजी कुछ चुराएंगे, यानी कमाएंगे और खाएंगे, तो फिर ये इसी तरह ना हमारे मुल्क में से खाएं। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी माई डियर, ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, वो मेरे मुझ और तुम से बात कर रहा था मेरी दिलरुबा, वो मेरे और तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, थो आई हियर द थंडर रंबलिंग इन द स्काई, वो कहता है कि अपने ख्याल में मैं सुनता हूँ आसमान पर एक धाड़ का मुसलसल शोर। इट वॉज हिटलर ओवर यूरोप सेइंग दे मस्ट डाई, ठीक है, कहता है कि ये यूरोप में हिटलर था जो कह रहा था कि यहूदियों को लाजमी से मरना चाहिए। ओ वी आर, सॉरी, वी व इन हिज माइंड माई डियर, ओ वी व इन हिज माइंड, अफसोस, या अरे हम उसके जहन में थे मेरी दिलरुबा, हम ही उसके जहन में थे, ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं सा पुरलिना जैकेट फास्टन विद अ पिन, कहते कि मैंने एक पालतू कुत्ता देखा जिसने पिन के साथ जैकेट पहनी हुई थी। सा डोर ओपन एंड अ कैट लेट इन, और एक दरवाज़ा खुला देखा, ठीक है, और बिल्ली को अंदर जाते देखा, यानी बगैर खौफ के बिल्ली जो है वो अंदर चली जाती है। क्यों? बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूज माई डियर, बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूज, क्योंकि वो हमारी तरह कोई जर्मनी के यहूदी नहीं थे, वो हमारी तरह जर्मनी के यहूदी नहीं थे जो कि बिला खौफ खतर बिल्ली तक जा रही है और हम इंसान हैं, हम नहीं जा रहे, क्योंकि हम जर्मन ज्यूज हैं, ठीक है जी। वेंट डाउन, वेंट डाउन द हार्बर एंड स्टूड अपॉन द क्वे, और बंदरगाह की तरफ गए, यानी हम, और उसके जो एक चबूतरा है लकड़ी का उसमें जा खड़े हुए। सा द फिश स्विमिंग एज इफ दे वर फ्री, बिल्कुल आजादाना माहौल में मछली जो है वो उसमें स्विमिंग कर रही है, वो उसमें तैर रही है, ठीक है जी। ओनली 10 feet अवे माय डियर, ओनली 10 feet अवे, कि सिर्फ हमसे 10 feet के फासले पर, सिर्फ हमसे 10 feet के फासले पर, यानी कि मछली को इतनी इजाज़त है लेकिन हम बदकिस्मती से, हमारे लिए इस मुल्क में जगह नहीं है। वॉक थ्रू अ वुड, फिर कहते कि हम जंगल में से गुजरे। सा द बर्ड्स इन द ट्रीज, और दरख्तों में परिंदों को देखा। दे हैड नो पॉलिटिशियंस एंड सेइंग एट देयर इज, और उनके कोई सियासतदान न थे, ठीक है, और वो बड़ी ही रवानी से पुरमुसरत गीत जो है वो गा रहे हैं। दे वर नॉट द ह्यूमन रेस माई डियर, दे वर नॉट द ह्यूमन रेस, कि वो तो इंसान भी नहीं थे, वो तो इंसानी बिरादरी से भी नहीं थे, तो इतनी आज़ादी उन्हें लेकिन हम कहाँ और वो कहाँ, ठीक है जी। ड्रीम्ड आई सॉ अ बिल्डिंग विद अ 1000 floor, मैंने एक ऐसी इमारत देखी जिसकी कई मंजिलें थी, हज़ार मंजिलें थी उसकी। 1000 windows एंड 1000 doors, उसमें हज़ारों की तादाद में खिड़कियाँ और हज़ारों की तादाद में दरवाजे थे। नॉट वन ऑफ देम वॉज ओवर माय डियर, नॉट वन ऑफ देम वॉज ओवर, उनमें से कोई एक भी हमारा नहीं था मेरे दिलरुबा, उनमें से कोई एक भी हमारा नहीं था मेरे दिलरुबा। स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो, बर्फ़ के गिरने वाले जिस जगह पे बर्फ़ गिर रही थी उस चटियल मैदान में हम खड़े हुए। 10,000 soldiers marched
टू एंड फ्रो के 10,000 फौजी जो हैं वो मार्च कर रहे थे, टू एंड फ्रो, फ्रो मीन फ्रॉम, इधर से उधर, यानी इधर उधर जो है वो इतने हज़ारों जो फौजी हैं वो घूम रहे थे, लुकिंग फॉर यू एंड मी माय डियर, लुकिंग फॉर यू एंड मी, सिर्फ मुझे और तुम्हें देखते हुए, सिर्फ मुझे और तुम्हें, तुम पर निगाह रखे हुए, ठीक है जी। कमेंट, नेशनलिज्म इज़ एन अपैलिंग डिसीज़, ये खोलनाक, यानी कौमियत एक होलनाक बीमारी है, इट इज़ दी मीज़ल्स ऑफ मैनकाइंड, ये इंसान की एक वायरस किस्म की या एक अछूत से फैलने वाली एक बीमारी है, ठीक है जी। तो ये कमेंट है और ऊपर जो है वो आपके साथ ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन भी आप खुद से पढ़ सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट में आप ये लिखेंगे, ठीक है जी, जो कि आपको याद नहीं करना, मल्टी आंसर में से ही आप लिखेंगे इंशाल्लाह, और एक्सप्लेनेशन जिस भी स्टैंजा की करेंगे उससे पहले ये लिखेंगे, और लास्ट पे आप यहाँ पे लिखेंगे कमेंट, और दरमियान में आप अपने से जो एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं वो लिखेंगे। आप अगर एक दो दफ़ा इस वीडियो को सुनते समझते हैं तो अच्छे से आपकी एक्सप्लेनेशन भी प्रिपेयर हो जाएगी इंशाल्लाह, अदरवाइज़ आप मल्टी आंसर से जो है इसको, एक्सप्लेनेशन को भी कवर कर सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।